हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बीएस एंटरटेनमेंट। अभी हम आ चुके हैं हंस गोट फार्म पे और साथ में हमारे अमीन भाई। और हंस गोट फार्म का जो एड्रेस है वो आपको गूगल मैप पे भी मिल जाएगा और जो कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आगे इन्फॉर्मेशन लेगी। और अमीन भाई से एक बार पूछते हैं, अमीन भाई कैसे हैं आप? अच्छे हैं। अमीन भाई, इस गोट फार्म का नाम क्या है और हम कहाँ पे हैं अभी? जी कहाँ पे? अजमेर से 20 किलोमीटर पड़ता है जी, और पुष्कर से 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर कौन? ये बीकानेर हाईवे। ये बीकानेर हाईवे है। और कौन सा गांव है ये? बाड़ीघाटी बोलते हैं, टोल से पहले। अच्छा, टोल से पहले बाड़ीघाटी गांव का नाम है, बीकानेर हाईवे पे है। हंस गोट फार्म के नाम से ये गोट फार्म है। आप गूगल मैप पे सर्च करेंगे उसकी लोकेशन आपको मिल जाएगी, पुष्कर से 7 किलोमीटर दूर है। तो क्या देखेंगे वीडियो में? इस वीडियो हम गुजरी की फीमेल और सुरोही की मेल देखने वाले, तो चलिए अंदर चलते हैं। तो दिखाइए अमीन भाई, सबसे पहले बड़ी बकरियां दिखाएंगे हम। गुजरी की पट है जी, चार दांत पे, चार फर्स्ट बार बच्चा देगी। फर्स्ट बार बच्चे चार दांत पे आपने क्रॉस कराई इसे? हाँ सर। ऐसा क्यों? बड़ी लेंथ होने के कारण। अच्छा, इसलिए बच्ची ग्रोथ भी अच्छा कर लेती है, दूध की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, इसलिए लेट कराया इसको क्रॉस। हाँ जी सर। फर्स्ट टाइम करीबन 2.5 से 3 महीने की प्रेग्नेंट। 2.5 से 3 महीने की प्रेग्नेंट है। हाँ। चार दांत की हो चुकी है। क्या बॉडी वेट रहेगा इसका? वजन इसका बॉडी वेट है सर 60 से 65 किलो। 60 से 65। गुजरी नस्ल में? गुजरी। और दूसरी फीमेल दिखाई, अच्छी बड़ी फीमेल, बड़े स्ट्रक्चर में। सारी ही अच्छी फीमेल है, बड़ी है फ्रेम में। एक ये वाली और दिखाई, ये वाली, ये दूसरी बार बच्चा देने वाली है। अच्छा, और ये है सर 6 दांत पे। सिरोही है ये? सिरोही। अच्छा, भर गई दांतों में? नहीं, 6 दांत पे भर गई, लग रही है अभी 6 दांत दे, ये दांत में। हाँ, ये नहीं, अभी 6 दांत पे। ये दूसरी बार बच्चा देगी। इसका बॉडी वेट है सर 75 से 80 किलो। अच्छा, कितना दूध देती है ये? करीबन इसकी कैपेसिटी है 2 से 2.5 लीटर की। दो लीटर तो मान के चलो। आंचल भी देख सकते हो जी। अभी तो क्यों, नजदीक आ गई ना, 3.5 महीने की प्रेगनेंट हो गई, इसलिए दूध कम हो गया। अच्छा, काफी अच्छे बड़े बड़े में लगभग इतने वजन पे। इसको क्रॉस कौन सी ब्रीड से बकरे से कराया सर? बिल्डर अभी मैंने बेच दिया। बेच दिया? हाँ, बड़ा बिल्डर था मेरे पास। अच्छा, कौन सी ब्रीड थी? सिरोही। सिरोही, सिरोही था। सारी बकरी जो है यहाँ पे अवेलेबल, सारी लोडेड है? हाँ, बिल्कुल लोडेड है सर। देखो, ये देखो सर, 15 दिन के अंदर बच्चा देने वाला। हाँ, ये बिल्कुल ही तैयार है बकरी। अगर इसकी कैपेसिटी है 3 बच्चे देने की जी, देख सकते हैं एकदम तैयार है बकरी। आपको दिखा दूँ पीछे से, काफी अच्छे फ्रेम की बकरी है, देखिए आप, बिल्कुल तैयार है। मुझे लग रहा है 1-2 दिन में ही बच्चे दे देगी। आइए, ये चॉकलेटी कलर में। अच्छा, इसको क्या अजमेरी बोलते हैं? हाँ, अजमेरी बोलते हैं। इसका बच्चा ये है? इसका बच्चा ये वाला? ये दूसरी बार प्रेग्नेंट है, फर्स्ट बार का बच्चा वो। अच्छा, दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई। अब दो बच्चे देने के चांस रहेंगे? बिल्कुल। कितने मंथ की अभी ये प्रेग्नेंट? ये 3 महीने की। 3 महीने की प्रेग्नेंट है जी सर। और दूसरी बार लोड हुई है? बिल्कुल। इसके नीचे 1 लीटर दूध होगा आराम से सर, अभी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। वजन क्या है इसका? वजन है सर 50 से 55 किलो। 50 से? तो आप केजी से सेल करते हैं पर पीस? केजी से सेल कर सकते हैं और पट्टी से सेल कर सकते हैं। पट्टी से, पर पीस से और केजी से, दोनों से सेल कर सकते हैं। तो कितने रुपए किलो सेल होती है सर? केजी से सर 240 से 50 रुपए, 250 रुपए केजी तक। अच्छा, 250 रुपए केजी। और पीस से लें तो? ये पट्टी से ले रहे हैं तो सर, पट्टी से जो मेरे पास 30 बकरी है, आप कितनी बकरी ले रहे हो जिस हिसाब से पट्टी होगी सर? अगर ये बकरी, ये बकरी दे दूंगा मैं सर 13 से 14 हजार की पट्टी। अच्छा, 14 हजार की? हाँ। कितने किलो की होगी ये? 50 की 40? 55 किलो की सर। 55 किलो की, करीब ये 14-15 हजार की रखो। 50 केजी की है तो 300 रुपए किलो पड़ जाएगी। नहीं, कम करोगे? कम हो जाएगी। 240 से 250 रुपए किलो। 55 किलो की है ना, एक्स्ट्रा बता रहा है 5 किलो। ठीक है, और दिखा दीजिए, ये गुजरी वाली दिखाइए पीछे। ये भी गुजरी है सर? ये भी लोडेड है? ये भी फर्स्ट बार लोडेड है। किसी भी भाई को चाहिए तो ये सब माल सेल के लिए? बिल्कुल, सेल कर देंगे आप? बिल्कुल। तो हंस गोट फार्म पे आप आ सकते हैं जो कि पुष्कर से 7 किलोमीटर दूर है, पुष्कर में ही है, और अजमेर से करीब 20 किलोमीटर दूर है, पुष्कर से 7 किलोमीटर दूर है। और इस गोट फार्म के नाम का ऑनर का नाम है हंस चावला। हाँ। हंस चावला जी हैं, और अभी हमें वीडियो दिखा रहे हैं आमिन भाई। ठीक है, और ब्रीडर देखते हैं। और ये पट्टे दिखा दो, ये पट का क्या वजन रहेगा? ये पट्टे सर 25 किलो से। 25? अगर इसमें इसे 20 से 25 केजी की पट चाहिए हो लोगों को, 150 पीस,
तो वो आप प्रोवाइड कराएंगे, मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी। उसका कितने रुपए पट्टी से? सर ये दूंगा 270 रुपए केजी से। और पर पीस से? पर पीस से लेंगे तो सर 6000 रुपए पट्टी से। 6000 रुपए पट्टी से। ये रेट ऐसे तो नहीं कोई आए तो रेट बढ़ जाएगा? नहीं नहीं नहीं, रेट जो बता रहे वही रहेगा ना रेट? जो रेट जो बता, क्योंकि लोग कहते हैं वीडियो में रेट कुछ और होता है, बाद में कुछ नहीं, और नहीं, हो जाता है। वो काम हमारा नहीं है सर, जो मुंह से बोल दिया वो भी बात रहेगी सर। ठीक है, जो रेट आपने बोल दिया वही रेट होना चाहिए। चलिए अभी जो दूसरे पार्टीशन में उस तरफ मेल है वो देखते हैं, फीमेल तो देख ली, मेल देखते हैं। वो वाली फीमेल देख ली उन्होंने? देखो सर ये भी मेल है। अच्छा, ये हमारी इस बकरी का प्रोडक्शन है। अच्छा, और मात्र 4 महीने का अंतत बच्चे है। हाँ अदंत है, ये तो देखिए रहा अदंत, 4 महीने का आई। चलिए ये बड़ी बकरी देख ली अपनों ने? हाँ, ये देखिए। चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये सारे ही मेल हैं? सारे मेल हैं। कितने पीस होंगे अमीन भाई? ये करीबन अभी 30 पीस मेल है। अच्छा, और 25 फीमेल है। 30 मेल है, 25 फीमेल है। ये सिरोही गुजरी, सिरोही और अजमेरी है? हाँ, तो सर अभी जो मेल है जो पूरे सिरोही के ही है। सारे सिरोही के हैं? अजमेरी और सिरोही, अजमेरी सिरोही। दिखाइए कोई पकड़ के। कितने केजी का हुआ ये? सर ये इसका बॉडी वेट है 25 किलो। 25 किलो का, वही ये करीब 6000 का? नहीं, ये पड़ेगा सर 6500 रुपए का। 6500 रुपए का, 6500 से 7000 रुपए की पट्टी में, साथ मेल में और फीमेल में फर्क रहता है। अच्छा, मैं अच्छा मैं उसके अंदर बच्चे सर 4 से 5 महीने के बच्चे अदंत है। अदंत आप देख सकते हैं। हाँ अदंत तो है, इस एज में कहाँ दतेगा बच्चा, अदंत बच्चा। सर फार्म पे आइए, विजिट करिए, एक नंबर क्वालिटी के माल मिलेगा। कुछ डिफरेंट कलर में सर, काफी शाइनिंग बच्चों के अंदर देखने को मिल रही है। क्या खिलाते हैं आप इन्हें? सर हम हरी पत्ती खिलाते हैं, एक टाइम जो दाना देते हैं जी, जो भी देते हैं आप? हाँ, जो देते हैं सर। जो कब देते हैं? जैसे करीबन 4 बजे देते हैं। 4 बजे जो देते हैं। अच्छा, तो छोटे बच्चों को बड़े बच्चों को अलग अलग डाइट रहती है, कम बढ़ती? बिल्कुल, बड़े की छोटे की अलग अलग डाइट, अलग अलग रहती है। तो कितनी उम्र से डाइट जो देना चालू कर देते हैं? सर करीबन बच्चा 4 महीने जैसे खाने पे निर्भर हो जाता है जी, तो धीरे 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 जो देना स्टार्ट करते हैं। और आप इस फील्ड में कब से हैं, गोट फार्मिंग में? सर इस लाइन के अंदर मेरे को हो गई करीबन 10 से 11 साल। 11 साल से आप इस फील्ड में हैं? और अच्छा, तो माशाल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है आपको इस फील्ड में। हाँ। काफ़ी ज़्यादा तजुर्बा हो गया है। अगर किसी भाई को आप यहाँ से जानवर लेके जाता है, जानवरों को 10-20 दिन के बाद कोई बीमारी वगैरह लग जाती है, तो आप उसके लिए मेडिसिन वगैरह बताते हैं? बिल्कुल बताऊंगा। बताएंगे आप? 24 घंटा सेवा उपलब्ध है सर। अच्छा, और कोई भाई आना चाहे तो जंक्शन वगैरह से सुविधा आने जाने की है? बिल्कुल है सर। और कोई ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था किस तरह से कराते हैं? हमारी खुद की गाड़ी है। अच्छा, ये खड़ी है, पिकअप खड़ी है, तो आप ऑल ओवर इंडिया ट्रांसपोर्ट करा देते हैं? बिल्कुल। उसका भाड़ा कितना रुपये केजी किलो रहता है, पर किलोमीटर क्या रहता है? किलोमीटर सर हमारी गाड़ी का भाड़ा रहेगा 13 से 14 रुपए किलोमीटर जी। और खर्चा जैसे पाल्टी वाली में है तो 13 से 14 रुपए किलोमीटर, अगर खर्चा हमारे में है तो 17 से 18 रुपए किलोमीटर। खर्चा मतलब पुलिस का हो गया, टोल का हो गया, टोल टैक्स हो गया, बॉर्डर है जो भी है, जो खर्चा है वो 18 रुपए में पूरा खर्चा गाड़ी वाले का। 17 से 18 17 में और 18 में हो सकता है, एक बताइए। बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा अच्छा, 17 मान लीजिए। बिल्कुल 17। चलिए तो ठीक है, बहुत बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें अमीन भाई ने दी, जो कि हंस गोट फार्म के जानवर दिखा रहे थे हमें। और ये गोट फार्म जो है, हंस हमारा पुष्कर से 7 किलोमीटर दूर है, बीकानेर हाईवे पे 7 किलोमीटर दूर है पुष्कर से, और अजमेर से 20 किलोमीटर दूर। किसी भी भाई को आना हो तो वो आगे यहाँ पे विजिट कर सकता है। ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू।